आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। थाना बोगांव क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने अपनी पुत्री के साथ किए गए गैंगरेप के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद पीड़ित थाना बोगांव क्षेत्र का निवासी है। यहां पीड़ित ने शिकायती पत्र दिया जिसमें उसने बताया कि 12 सितंबर के दिन उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर उसकी पुत्री के साथ गैंगरेप की वारदात को दो युवकों ने अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे घर पर छोड़कर चले गए। 13 सितंबर के दिन पीड़ित जब भाई का लेंटर डलवाने के लिए गया तो उसने पुत्री की चीखने की आवाज़ सुनी जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे तो देखा उसकी पुत्री ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिजनों की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई जिसके बाद पता चला तो गांव के ही दो युवकों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म जैसी घृणित वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की ओर से थाने पर तहरीर दी गई जिसके बाद थाने पर IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई लेकिन एक आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दे रहा है। वही शिकायत करने पहुंचे पीड़ित ने क्या कुछ बताया ये भी जरा आप सुनिए। मामला ये है कि मेरी लड़की फांसी फंदे पर झूल रही थी तो घर से निकला और वो दोनों लोग भाग गए और हमने 4 तारीख प्रार्थना पत्र थाने में दिया तो वो जो आज भी नहीं पकड़ा है वो घर पे आता है और घूमता है और धमकी दे के चला जाता है कि जो इसके संग हालात किए वो तेरी लड़की छोटी वाली के साथ करेंगे। नहीं आपने थाने पर शिकायत की थी क्या है? थाने में हम भागते भागते परेशान हो गए, एक प्रार्थना पत्र दिया उन्हीं पकड़ा जाएगा वो आज भी नहीं पकड़ा गया और CO के पास गए, CO ने कहा कि दादाजी परेशान मत हो वो भी पकड़ा जाएगा। आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते? हम ये चाहते हैं कि दूसरा वाला पकड़ा जाए और वो हमको धमकी देता है और चला जाता है वो भी पकड़ा जाए।